जी स्टूडेंट, उम्मीद कि आपने वीडियो नंबर 1 देख लिया होगा। जो बच्चे क्लास 10th में हैं या 12th में हैं, यानी मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में वो लोग भी दे सकते हैं जो किसी कंपटीशन में एग्ज़ाम में जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने ये ग्रामर के ताल्लुक से। देखिए, हमने आपको चैलेंज दिया था कि 30 में 20 का जवाब दो। आप जानते हो कि आपका जवाब कितना सही था, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए, आज आपको क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 31 से है। ज़ैल में हासिल मसदर कौन सा है? ज़ैल में हासिल मसदर कौन सा है? ए खेलना, बी खेल, और सी में है खेलो, और डी में है खिलाओ। हासिल मसदर किसे कहते हैं पहले आपको जानना होगा, और बताइए इसमें कौन है सही जवाब। ऑप्शन आपका बी है, हासिल मसदर खेल है। सवाल नंबर 32 देखते हैं। ज़ैल में से मुसग्गर लफ्ज़ कौन सा? मुसग्गर बच्चा, किताब, किताबचा। जी बच्चा, किताब, किताबचा, इनमें से सभी पूछ रहा है इसमें मुसग्गर। तो जब तक बच्चा स्टूडेंट है ना मुसग्गर को नहीं जानेगा, तब तक सही जवाब दे नहीं सकता है। हमने बच्चों को पढ़ाया था, चीख चीख करके बोर्ड में पढ़ाया, सामने पढ़ाया कि मुसग्गर जो किसी चीज़ की छोटाई के बयान करे। बच्चा ऑलरेडी एक बच्चा है, किताब जो है किताब है, और किताब क्या छोटा होता है, किताबचा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन सी सही है, किताबचा है ना, किताब से किताबचा, बाग से बागीचा। ये सब क्वेश्चन इम्तिहान में हर साल पूछे जाते हैं। तो इस मुसग्गर की पहचान क्या है? किताबचा है। सवाल नंबर 33 में देते हैं। ज़ैल में शेर की जमा कौन सा है? शेर की जमा शोरा, अशार, शायरा, इनमें से कोई नहीं। जवाब देंगे आप कि ज़ैल में शेर की जमा कौन सा है। ये भी आपके वीडियो में चैलेंज है कि आप मुझे 30 में से 20 का जवाब देकर सुनाइए। सही जवाब शेर की जमा अशार, शेर की जमा अशार, ऑप्शन बी आपका राइट है। देखते हैं सवाल नंबर 34 में। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जी ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? पानी, खुशबू, आवाज़, तमन्ना। पानी, खुशबू, आवाज़, तमन्ना, इसमें कौन सा मुज़क्कर है? क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। सही जवाब दीजिएगा मुज़क्कर, मुअन्नस जानते होंगे। मुज़क्कर कहते हैं मर्द जाति को, और मुअन्नस कहते हैं औरत जाति को। याद रखिएगा, आपको सिखा दे रहा हूँ, कभी भी इम्तिहान में आ जाए। खुशबू ये क्या है? खुशबू ये आपका मुअन्नस है। आवाज़ मुझे खुशबू अच्छी है, आवाज़ अच्छी आ रही, आवाज़ आ रही है, मेरी तमन्ना है, ये तीनों आपका मुअन्नस है। और पूछ रहा है मुज़क्कर, बच गया ये जनाब पानी साहब बच गए, ये आपका मुज़क्कर है। ठीक है ना, ये जो राउंड है ये आपका मुअन्नस है, और ये चार कोने में है ये आपका मुज़क्कर है। इसको रट लेना, इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछता है। सवाल नंबर 35 देखते हैं। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ फेल है? फेल कौन सा लफ्ज़ फेल है? तो जवाब देने से पहले आप सोचिएगा कि फेल किसे कहते हैं। पटना, हम लोग, जाना, खूबसूरत, इसमें कौन सा लफ्ज़ फेल है? आप इस 30 सवाल में से आप सिर्फ 20 का जवाब दो, मैं आपके लिए दुआएं करूंगा। सही जवाब ऑप्शन सी है, जाना, आना, जाना, खाना, ये सब काम है ना, है तो आपका ये फेल क्या है? जाना फेल है। पटना शहर का नाम है, इसम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ज़मीर हो जाएगा, खूबसूरत सिफत बन जाएगा आपको, और जाना आपका फेल बन जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 36 में। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ सिफत है? सिफत है, सिफत कहते हैं खूबी और ख़राबी को। खेल, अच्छा, तोहफा, आना, सिफत पूछ रहा आपसे। सही जवाब ऑप्शन बी, अच्छा, ये सिफत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 37 में। ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? मैं एक चीज़ मैं आपको नसीहत कर दूं उन बच्चों के लिए जो जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है मुज़क्कर मुअन्नस पे। देखिए, दो किस्म के मुज़क्कर होते हैं, दो किस्म के मुअन्नस होते हैं। मुअन्नस दो किस्म के, कौन कौन? एक मुअन्नस हकीकी और एक मुअन्नस हुक्मी। याद कीजिए ध्यान से, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस हुक्मी। मुअन्नस हुक्मी जो है मान लिया गया है, बना लिया गया है, लिख दिया गया है। और मुअन्नस हकीकी वह है जिसको नज़र आता है, जिसके मुकाबले में कोई मर्द हो। जैसे एक बकरी देख रहे हैं, बकरी के मुज़क्कर में है मुअन्नस है, तो उसके मुकाबले में क्या है? बोका है। गाय है तो सांड है, औरत है तो मर्द है, लड़की है तो लड़का है, ऊँटनी है तो ऊँट है। मालूम हुआ कि मुअन्नस की दो किस्में हैं, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस हुक्मी। मुअन्नस हुक्मी वह है जिसको सिर्फ मान लिया गया है, आपको
ठीक है, और मोनस हकीकी वो है जिसके मुकाबले में कोई मर्द हो, कोई मर्द हो। चलिए तो देखिए, जैसे ज़मीन आसमान है, ज़मीन मुजक्कर, ज़मीन मुअन्नस है और आसमान मुजक्कर है, तो मान लिया गया है। तो जब ये सब सवाल आएंगे तो अब मैं आपसे कहूँगा कि इन लोगों को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, जवाब मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें उलझन में पड़ जाएंगे और आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ चल रहा है आपका। तो मैं इसको सिखा दे रहा आपको, 27 का 37 का जवाब क्या होगा, 37 का जवाब होगा आपको जैल में तादाद, क्या है तादाद, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है, ये मुअन्नस है, क्या है तादाद, लोगों की तादाद कितनी है, लोगों की तादाद कितनी है, ठीक है ना। सवाल 38 में है कि ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ क्या, देखिए फिर वही सवाल आ गया, ये सब सवाल आएगा ना तो आप फंस जाओगे, इसलिए आप मुजक्कर मुअन्नस के चक्कर में मत पड़ना, है ना, जिससे कि दुनिया में जो बच्चा मुजक्कर मुअन्नस के चक्कर में पड़ता है तो फंस जाता है, या लड़की है पढ़ती है मुजक्कर मुअन्नस के चक्कर में तो फंस जाती है, इसलिए दुनिया के तरह यहाँ आप लिखने पढ़ने भी मुजक्कर मुअन्नस में अभी फिलहाल मत पढ़ना, ठीक है। तो 38 में है ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है, बादल, मकान, हवा, दरख्त, मुअन्नस पूछ रहा है, बादल, मकान, हवा और दरख्त, मुअन्नस कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सही जवाब दीजिएगा, सही जवाब मुअन्नस पूछ रहा है, हवा बह रही है, हवा चल रही है, ये आपका मुअन्नस हो जाएगा, बादल उजला है, बादल साफ है, मकान बन रहा है, दरख्त नया है, ये मुज़क्कर हो जाएगा, और हवा बह रही है, हवा बह रहा है नहीं बोलेंगे, हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, मुअन्नस है। सवाल नंबर 39 में फिर वही आ गया कि ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है, वतन, विशाल, वफा, वरक, वतन, विशाल, वफा, वरक, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब होगा मुअन्नस, तेरी बेवफाई ने, तेरी वफादारी ने, तो आपका ये वफा पढ़ो ना, सनम बेवफा, तेरी वफाई, तेरी बेवफाई, तो वफा आपका मुअन्नस है, बाकी तीनों क्या है, ये मुज़क्कर है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 40 में भी वही है, 41 में वही है, यानी कि आपको तबाह कर देगा ये, बस इतना, और 42 में वही है, सीख लेना आपको। तो 40 में है कि ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है, हाथ, हाथी, हल, इनमें सभी, याद कीजिएगा कि हाथ भी मुज़क्कर है जी स्टूडेंट, और हाथी भी मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस होता है हथनी, हाथी का मुअन्नस होता है हथनी, और हल भी मुज़क्कर है, जवाब देंगे इनमें सभी, इनमें सभी मुज़क्कर है। ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है, यहाँ पूछ रहा है, पानी, निकाह, मतलब, इनमें सभी, मुज़क्कर पूछ रहा है, क्या मुज़क्कर पूछ रहा है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका इनमें सभी, जी इनमें सभी, या देखिएगा मतलब निकाह, निकाह हो गया, निकाह हो गए नहीं बोलेंगे, पानी अच्छी है नहीं बोलेंगे, पानी अच्छा है बोलेंगे, मतलब, हाँ मतलब निकल गया बोलेंगे, मतलब निकल गए नहीं बोलेंगे, तो आप एक बार बोल के भी देख लेना, लेकिन आप इसे कहूँगा कि आप मुअन्नस मुज़क्कर के चक्कर पढ़ोगे तो आपका नंबर कट सकता है, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जब पढ़ लेना समझदारी हो जाएगी इस चक्कर में पढ़ना, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 42 में कि ज़ैल मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है, मुज़क्कर लफ्ज़, कतार, कबर, कागज़, इनमें सभी, क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या होगा बताइएगा, तो मुज़क्कर लफ्ज़, तो इसका जवाब होगा, होगा आपको ऑप्शन सी होगा, कागज़ मुज़क्कर है, कबर बन गई और कतार बना ली गई, तो ये दोनों मुअन्नस है, कागज़ क्या है, मुज़क्कर है। देखते हैं सवाल नंबर 43 में, ज़ैल में मुतकल्लिम कौन है, वह सब, हम, तुम लोग, मुतकल्लिम, मुतकल्लिम भी आपको जानना होगा, ज़मीर की जो है तीन होते हैं, और तीन के फिर डबल होते हैं, छः हो जाते हैं, तो ज़मीर कितने होते हैं, मान के चलिए आपके तीन होते हैं, कौन, वाहिद, नहीं वाहिद, गायब और मुतकल्लिम, वाहिद हानी, हाजिर, गायब, मुतकल्लिम, क्या होता है, हाजिर, गायब, मुतकल्लिम, ठीक है ना, हाजिर, गायब, मुतकल्लिम, तो ये आपका हम जो है ये मुतकल्लिम का सेगा है, क्या है, मुतकल्लिम का सेगा है, ठीक है, ये आपको ग्रामर में तफसील से पढ़ाया गया होगा। सवाल देखते हैं 44 में, पानी, पानी होना मुहावरे का क्या माना है, पानी, पानी होना मुहावरे का क्या माना है, पानी पीना, पानी में डूब जाना, हर तरफ पानी भर जाना, या शर्मिंदा होना, सही जवाब शर्मिंदा होना, क्या होना, शर्मिंदा होना। देखते हैं सवाल नंबर 45 में, ज़ैल में फ़ाइल चुनिए, फ़ाइल, झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना, इनमें सभी, झगड़ालू, झगड़ालू यानी झगड़ा करने वाला, इसमें फ़ाइल हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 46 में, रुबाई की जमा क्या होगी, रुबाई की जमा क्या होगी, मुरब्बा, रुबाइयात, अरबा, रुबाइयों, सही जवाब 46 का दीजिएगा जवाब, रुबाइयात,
देखते हैं सवाल नंबर 47 में, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। फिर वही खेल शुरू हो गया, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, रहमत, सेहत, जहन्नम और जन्नत। मुज़क्कर आपसे मुज़क्कर पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 है। सही जवाब मुज़क्कर क्या होगा, मुज़क्कर आपका ऑप्शन सी सही होगा, मुज़क्कर है। बाकी अल्लाह की रहमत है ना, आपकी सेहत कैसी है और खुदा की जन्नत, ये तीनों ये क्या है, तीनों मुअन्नस है, और जहन्नम क्या है, ये ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। रहमत, सेहत, जन्नत ये मुअन्नस है, रहमत, सेहत, जन्नत ये मुअन्नस है, और जहन्नम मुज़क्कर है। देखते हैं सवाल 48 में, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, यहाँ मुअन्नस पूछ रहा है, शोहरत, शेर, जंगल और बाग, मुअन्नस पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्या होगा ऑप्शन ए, शोहरत, आपकी शोहरत का चर्चा सुन करके, शोहरत, शोहरत क्या है आपका, ये मुअन्नस है, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 48-49 में, 9-2-11 होना का मतलब होता है, मतलब निकालना, फ़ायदा पहुँचाना, भाग जाना, वापस आना। सही जवाब 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना। सवाल नंबर 50 देखते हैं, ज़ैल में इसमें आला कौन सा है, इसमें आला कौन सा है, बाग, कफगीर, कब्रिस्तान, रमज़ान। हमने अपने बच्चों को बोर्ड पे समझाया था कि हम कफगीर क्या है, बाग क्या है, कब्रिस्तान क्या है, रमज़ान क्या है। रमज़ान आपका इस्म हो जाएगा और कब्रिस्तान आपका ज़र्फ़ मकान हो जाएगा और बाग भी आपका ज़र्फ़ मकान हो जाएगा, ठीक है, और यह आपका यह मुकब्बर हो जाएगा, और कफगीर जो है यह आपका इसमें आला है। कफगीर को हिंदी में बोलते हैं चिमटा, आपने नन हिंदी में पढ़ा होगा कि एक लड़का था जो अपने दादी जान के लिए चिमटा लाता है ना, तो ये चिमटा आता है हिंदी में, उर्दू में कफगीर आता है, दस्ताना आता है, कैंची आता है, ये जितना है जिस चीज़ हम चीज़ों को पकड़ते हैं, काटते हैं, वो सब क्या है, इसमें आला है, तो कफगीर आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 51 में, दर्जे ज़ैल में इसे मुसग्गर कौन सा है, जी इसे मुसग्गर कौन सा है, बागीचा, बाग, बाजार, रेगिस्तान। सही जवाब दीजिएगा, यानी कि आपको 30 में 20 जवाब देने वाले को इनाम दिया जाएगा, किसके तौर पे, शाबाशी के तौर पे। तो इसमें मुसग्गर आपका ऑप्शन ए होगा, बागीचा। देखते हैं सवाल नंबर 52 में, शब्बीर हसन खान जोश, जोश क्या है, शब्बीर हसन खान जोश में जोश क्या है, लकब है, खिताब है, तखल्लुस है या फिर कुनियत है। ये तमाम चीज़ों को पढ़ाया गया कि लकब किसे कहते हैं, खिताब किसे कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं और फिर कुनियत किसे कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो है आपका ऑप्शन सी सही है, तखल्लुस है। शायर जो अपना असली नाम से हटकर छोटा सा एक एनसील डालता है, छोटा सा एक टाइटल डालता है, उसे बोलते हैं तखल्लुस। तो शब्बीर हसन खान नाम हो गया और जोश उनका तखल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 53 में, जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना कौन सी किस्म का है, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है या फिर तमन्नाई है। जाहिद कल पटना जाएगा, सही जवाब ऑप्शन ए है, जाए पटना जाएगा, सॉरी पटना जाएगा मुस्तकबिल, इसको फ्यूचर बोलते हैं, यानी कि जाएगा, पटना गया था माजी हो जाएगा, पटना जा रहा है हाल हो जाएगा, और जाएगा अभी फ्यूचर की बात है, सामने की बात है, कल की बात है, उसको बोलेंगे आप मुस्तकबिल, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 54 में, अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है, अच्छा लड़का, मजाक मजाफल है, मुबतदा खबर, सिफत मौसूफ, इनमें से कोई नहीं। अच्छा लड़का में कौन सी क्या है निस्बत है, सही जवाब सिफत मौसूफ की है, अच्छा सिफत है और लड़का जो है मौसूफ है, मौसूफ क्या है, ठीक है ना, मौसूफ जिसके बारे में बयान हो और सिफत जो कुछ बयान हो। देखते हैं सवाल नंबर 55 में, सिर्फ 60 तक क्वेश्चन आज के वीडियो में देंगे, 55 में, फेल का माना क्या है, जी ये भी पढ़ाया गया बच्चों को, फेल का माना क्या है, काम, नाकाम, फेल, फेल का माना क्या है, काम, नाकाम, फेल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब फेल का माना ऑप्शन ए, काम, और वही फेल ये लाम होता है तो माना होता नाकाम, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 56 में, एराब का लफ्जी माना क्या होता है, जी एराब का लफ्जी माना क्या होता है, घोड़ा दौड़ाना, घोड़े पर सवार होना, सफ़र करना, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, तो एराब का लफ्जी माना होता है घोड़ा दौड़ाना, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। ये ज़्यादा क्वेश्चन इंटर में आते हैं। सवाल नंबर 57, कसरा का मतलब क्या है, ये भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इंटर में आते हैं। कसरा का मतलब क्या है, ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद। याद रखिएगा, कसरा का मतलब होता है ज़ेर, कसरा का मतलब होता है ज़ेर, जो नीचे के माना में आता है।
सवाल नंबर 58 में है, काफ हरूफ है, हल्की है, खुनकी है, इस्नानी है, शफी है। सही जवाब, काफ हरूफ हल्की है, जो हलक से निकलता है। हरूफ हल्की कितने हैं? 6 हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये ना हरूफ हल्की है, तो काफ भी हरूफ हल्की में से आता है। सवाल नंबर देखते हैं 59 में, अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है? मीम की तादाद कितनी है, ये क्वेश्चन आपके क्लास इंटर करा है स्पेशल तौर पे। 10, 20, 30, 40, मीम की तादाद कितनी है? क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, 59 क्वेश्चन। सही जवाब दीजिएगा, मीम की तादाद कितनी है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, मीम का कितना होता है? 30, 40 होता है, मीम का 40, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 60 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम जैल में से क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम, ये जैल में से क्या है? मुहावरा है, मिसरा है, ज़रबुल मिसाल है, या फिर फिक्रा है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब ये ज़रबुल अमसाल बोलिए या ज़रबुल मिसाल बोलिए। जी स्टूडेंट, आपने अब तक 2 वीडियो में 60 क्वेश्चन देखा है, यकीन जानिए ये 60 क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इंशाल्लाह उसको मैं वीडियो नंबर 3 में दूंगा। अगर आप वीडियो को लाइक करके और अपने एक अच्छा कमेंट में राय का इजहार करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में दूंगा। फिर मिलता हूँ तीसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।